Abdullah Khan. He is also my crime partner. No, actually he is a gym partner. Crime partner को जो मिरर्स हैं, वॉश बेसिन्स हैं और इसके अलावा ये लॉकर से शेयर स्टेपर हैं. यहाँ पर कुछ एप्स के लिए मशीनें रखी हुई हैं. अब 8 घंटे के बाद हम आज जिम जाएंगे अपना. मैं आपको जिम के बारे में बताऊंगा, जिम का इंट्रोडक्शन दूंगा. यू हैव एनी फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट? हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल. आप देख रहे हैं लाइफ ऑफ परदेश विद ताहिर. सुबह सुबह व्लॉग बनाने का मकसद आप लोगों को लाइफ ऑफ परदेसी की रूटीन दिखाने का मकसद है, क्योंकि सुबह सुबह अभी इस टाइम 6:30 बज रहे हैं और मैं अपने काम की तरफ रवाना हूं, होने जा रहा हूं. कोई मसला नहीं. उसके बाद 8 घंटे के बाद हम आज जिम जाएंगे अपना. मैं आपको जिम के बारे में बताऊंगा, जिम का इंट्रोडक्शन दूंगा और इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हम यहाँ पर प्रदेश में रह के अपने दोस्तों के साथ किस तरीके से अपनी जिंदगी गुजारते हैं. तो जुड़े रहिएगा साथ, आगे चलते हैं. वेलकम बैक दोस्तों. ठीक 8 घंटे के बाद, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं जा रहा हूँ काम पर, तो मैं अभी काम से छुट्टी हो चुकी है. दर्जा हरारत है बाहर वो 48°C है. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ठीक 8 घंटे के बाद काम करने के बाद मैं आज यहाँ से सीधा जिम जाऊँगा और वहाँ से मैं आपको अपने जिम का इंट्रोडक्शन दूंगा और इसके अलावा ये भी दिखाऊंगा कि क्या क्या फैसिलिटीज़ वहाँ पर आप अवेल कर सकते हैं. और अभी रिसेंटली कुछ रिनोवेशन हुई है हमारे जिम में, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा. तो जुड़िए रहिएगा साथ. इसके अलावा बताता चलूं कि हमारे जो ऑफिस है उसके अंदर मोबाइल फोन बैन है. ना बीच में जो रास्ता है जो बेल इंडस्ट्रियल सिटी से लेके जो बेल सिटी तक जहां पर लोग रहते हैं उसकी मुसाफत जो है तकरीबन 20 से 30 मिनट की है. तो मैंने बीच में कुछ रिकॉर्डिंग की है रोड की, क्योंकि रोड पर आपको जैसा कि पता है कि वो ट्रैफिक वायोलेशन है. अगर आप वीडियो यूज़ करते हैं तो मेरे पास स्टैंड है गाड़ी में, वो स्टैंड यूज़ कर लेता हूँ और वो उसमें थोड़ी जो है रोड की जो वीडियो है वो बना लेता हूँ. तो वो जस्ट तो दोस्तों ये हमारा जिम है जो कि किंग फैसल स्ट्रीट रेड टेक के अपोजिट में है. फिटनेस मेकर इसका नाम है. आगे चलते हैं अंदर. अस्सलाम वालेकुम. यूसुफ बात से. यूसुफ इज माय क्राइम पार्टनर. नो एक्चुअली ही इज अ जिम पार्टनर. अब्दुल्ला खान ही इज आल्सो माय क्राइम पार्टनर. नो एक्चुअली ही इज अ जिम पार्टनर. तो दोस्तों हम एंटर हो चुके हैं जिम के अंदर. ये अभी वॉशरूम की और टॉयलेट्स की और कुछ इन्होंने चेंजिंग रूम की रिनोवेशन की है, जिसमें ये पानी पीने की जगह है, ये बाल वगैरह खुश करने के लिए इन्होंने ड्रायर्स वगैरह लगाए हैं, मिरर्स हैं, वॉश बेसिन्स हैं और इसके अलावा ये लॉकर्स हैं. लॉकर्स के अलावा राइट साइड पर ये चेंजिंग रूम्स हैं इनके. ये चेंजिंग रूम है और लेफ्ट साइड पे शावर्स लगे हुए हैं. तो सीधा जाएंगे तकरीबन 1, 2, 3 चेंजिंग रूम्स हैं और 3 शावर्स हैं. इसके अलावा ये सारे इधर लाइन से जो है वॉशरूम है 1, 2, 3. तो दोस्तों ये जिम के अंदर का रिसेप्शन है और इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने कुछ लाइसेंस और सब्सक्रिप्शन प्लान बना के रखे हैं. तो ये है 3 मंथ 6 मंथ और 1 ईयर. 3 मंथ 1350 और 220 एंड 3450 3450. मॉर्निंग का अलग प्लान है जो कि मॉर्निंग की सब्सक्रिप्शन थोड़ी सी रिजनेबल है, पर ये तो शाम वाला प्लान है. बहरहाल इसके अलावा जैसे आप मीटनर होते हैं तो लेफ्ट साइड पर सारी जो कार्डियो की मशीन्स हैं जैसे कि ट्रेडमिल है, ये सारे ट्रेडमिल्स यहाँ पर रखे हुए हैं. इसके अलावा यहाँ पर सारे इलेप्टिकल स्ट्राइडर्स हैंगे. तो सामने स्टेयर स्टेपर हैं, यहाँ पर कुछ एप्स के लिए मशीनें रखी हुई हैं. यहाँ पर सारी काफ्स की मशीनें हैंगी, काफ्स
लेग की एक्सरसाइज, यहाँ पर भी सारी लेग्स की एक्सरसाइज की मशीन्स रखी हुई हैं लाइन से, बहुत सफिशेंट यहाँ पर मशीन्स आएंगी कि मतलब अगर अगर कोई जिम मेंबर्स अगर कोई भी एक्सरसाइज एक मशीन पे करना चाह रहा है तो सफिशेंट मशीन हैं, किसी को बारी नहीं लगती, मतलब कि किसी को इंतज़ार नहीं करना पड़ता, हर कोई मतलब फ्लो से एक्सरसाइज करता रहता। तो यहाँ पर लाइन से शोल्डर्स की मशीन्स रखी हुई हैं, पूरी आगे शोल्डर की मशीन हैं, ये भी शोल्डर की मशीन है। यहाँ पर चेस्ट के हवाले से बेंच प्रेस वगैरह रखी हुई हैं, बेंचेस रखी हुई हैं, साथ में रॉड्स भी हैं। यहाँ पर लाइन से डंबल्स वगैरह रखे हुए हैं, बहुत अच्छी क्वांटिटी में डंबल्स आएंगे, किसी को इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इधर इसके अलावा स्ट्रेट बार और डब्ल्यू बार्स वगैरह रखी है, आर्म्स की एक्सरसाइज है, बाइसेप की, ट्राइसेप की, और साथ ही इसी के पीछे भी बाइसेप ट्राइसेप चेस्ट की एक्सरसाइज के लिए कुछ मशीन्स रखी गई हैं। तो ये था आज का नीचे का सेक्शन, इसके अलावा मैं आपको ऊपर चल के दिखाऊंगा। ऊपर इन्होंने कार्डियो एक्सरसाइज के हवाले से जगह बनाई हुई है, जिसमें कुछ कार्डियो मशीन्स भी हैं, कार्डियो ग्राउंड भी है, जहाँ पर जो है फोर एक्सरसाइज और कार्डियो एक्सरसाइज कराई जाती है। तो दोस्तों आज मेरा लेग डे है, तो लेग डे करने के बाद फिर मैं आपको ऊपर का जो पोर्शन है वो मैं दिखाता हूँ। तो इस टाइम मेरे जिम पार्टनर एक्सरसाइज कर रहे हैं। How are you, Yusuf? You are good? Alhamdulillah. You are my channel subscriber. You have any feedback for improvement? Yes, channel. I know you cannot understand the language what I brief on my channel, but at least give me some suggestion for making improvement. Nothing, man. Just make more videos. It's really good. Thank you, bro. I appreciate. आपको दिखाते हैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर क्या-क्या चीजें इन्होंने अरेंज की है। यहाँ से भी आप पूरे जिम का व्यू देख सकते हैं, पर मैं आपको और ऊपर जाके दिखाता हूँ मजीद। अस्सलाम वालेकुम। तो जी हम आ गए ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे, यहाँ से आपको दिखाते हैं लेफ्ट साइड से, यहाँ पर कुछ ट्रेडमिल रखी हैं, इसके अलावा ये पूरा जो ग्राउंड है इधर कार्डियो की एक्सट्रीम ट्रेनिंग भी कराई जाती हैं और कार्डियो ट्रेनिंग्स भी कराई जाती हैं। इसके अलावा किसी ज़माने में यहाँ पर मार्शल आर्ट भी सिखाया जाता था, बट वो अब आजकल नहीं हो रहा, जस्ट ऊपर कार्डियो ट्रेनिंग्स हैं, मुख्तलिफ उसके वक्त हैं, जैसा कि 4:30 है, 7:30 और 8:30 को यहाँ पर कार्डियो की ट्रेनिंग्स कराई जाती हैं और एक्सट्रीम ट्रेनिंग कराई जाती हैं। तो ये है ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर, यहाँ पर नॉर्मल दो ट्रेनर्स हैं जो कि ट्रेनिंग कराते हैं। इसके अलावा मैं यहाँ से ऊपर से आपको एक स्विमिंग पूल का नज़ारा कराता हूँ। इधर दो स्विमिंग पूल हैं, एक बड़ों का और एक बच्चों का, इसके अलावा हॉट जैकूजी और कोल्ड जैकूजी है, पर आजकल यहाँ पर बंद है क्योंकि कोई रेनोवेशन का काम चल रहा है, जो कि इन्होंने कहा है कि जुलाई मंथ एंड के ये दोबारा से सर्विस में अवेलेबल होगा। इसके अलावा मैं आपको ऊपर से पूरे बॉडी बिल्डिंग जिम का नज़ारा कराता हूँ, आप देखें। तो दोस्तों हमारा वर्कआउट हो चुका है, तो हम जा रहे हैं आगे, बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि हमारा प्लान होता है कि जिम राइट आफ्टर जिम वी विल टेक सम जूस फॉर रिफ्रेशमेंट, वो भी आगे आपको चल के दिखाता हूँ। इसके अलावा मेरी पुरानी वीडियो में, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रफशा जूस के नाम से है वो, अगर कोई भी मेरे चैनल की सब्सक्रिप्शन दिखाएगा तो उसको डिस्काउंट भी मिलेगा। तो चलते हैं आगे, उधर मैं आपको दिखाता हूँ। तो वर्कआउट हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो अभी हम आए इधर रफशा जूस में। आपने लास्ट मेरी वीडियो में देखा होगा रफशा जूस, जो कि बहुत अच्छा जूस सेंटर है और इनके पास बहुत तरह की वैरायटी भी मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पर क्रैप्स और पैनकेक्स भी हैं बहुत अच्छे फ्लेवर्स के। तो अभी हमने अपने वर्कआउट के बाद एक बहुत हेल्दी और जूस ऑर्डर किया है, जिसमें बीटरूट है और पोमेग्रेनेट है और इसके अलावा ऑरेंज है, ये तीनों मिक्स फ्रूट का जूस है, जो कि बहुत अच्छा है, हेल्दी है, इसके अलावा स्किन के लिए बहुत अच्छा है और किडनी के लिए भी बहुत अच्छा है।
तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी और आप बेहतर वीडियोस के लिए लाइक भी करें, कमेंट भी करें, सजेस्ट करें और मोटिवेशनल वीडियोस के लिए इनकरेज के लिए, ताकि मैं और अच्छी अच्छी आप लोगों के लिए वीडियो बना सकूं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।